धैर्य, शांति और उत्साह इस तरह भरा हो तो वो ऐसे ही गूंजता है। धर्मशाला की वादियों में लोक धुनों के सहारे उभरता तिब्बती लोगों का ये उद्घोष अपने पथ प्रदर्शक और धार्मिक गुरु दलाई लामा के लिए है, जिन्होंने 41 सालों तक निर्वासित रहते हुए भी तिब्बत के संघर्ष को वर्तमान स्थिति में पहुंचाया है। 1940 में दलाई लामा की उपाधि पाने के बाद 1950 में तिब्बत की सत्ता भी उन्हें मिली। यह जश्न भी उसी का है। पारंपरिक पूजा, आराधना और उतनी ही श्रद्धा और समर्पण से भरी हुई भीड़। अपने मसीहा के सम्मान में थिरकते लोक कलाकार किसी को भी थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। ये कुछ और नहीं, तिब्बती लोगों की अपने नेतृत्व में अटूट आस्था है, साथ ही भारत के प्रति भी श्रद्धा भाव है। सालाना समारोह के दौरान हर साल न सिर्फ तिब्बती संस्कृति और विरासत की झलक सामने आती है, बल्कि पूरे एक साल की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी खुद दलाई लामा देते हैं। न सिर्फ तिब्बती समुदाय को बल्कि पूरे विश्व को, जो पूरे उत्साह के साथ इनका शुभचिंतक होता जा रहा है। इतने लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझमें इतना गहरा लगाव रखते हैं, मुझे विश्वास करते हैं, इसलिए मैं इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूं और मेरी आखिरी सांस तक मानव की सेवा और उनके प्रति मेरी प्रतिबद्धता जारी रहेगी। टू धर्म एंड टू टिबेटन पीपल दैट इज टिल माय डेथ। दलाई लामा आजादी के मसले पर कहां असफल रहे और कितने सफल, इसे उन्होंने खुलकर स्वीकार किया। ये आशा भी जताई कि पूरे विश्व में जो उदारवाद आ रहा है, चीन उससे ज्यादा दिन तक अछूता नहीं रह सकता। पिछले दिनों उन्होंने अपने भाई को बातचीत के प्रस्ताव के साथ चीन भेजा था। उसके नतीजों की घोषणा वो बाद में करना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया शुरू होने में विश्वास करते हैं। मेरी समझ से ये बेहद जरूरी है कि व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिला जाए और संबंध बेहतर बनाए जाए, भले ही कोई प्रस्ताव पास हो या ना हो, कोई नतीजा निकले या ना निकले। मेरे हिसाब से अब तक सबसे बड़ी बाधा रही है चीन द्वारा परस्पर बातचीत से इनकार करना। आई फील आई थिंक वन ऑफ द ऑब्स्टिकल इज इग्नोरेंस। आफ्टर सम टाइम उन दोनों की बातचीत का नतीजा क्या निकला, समय आने पर आप लोगों को फिर बुलाऊंगा। चीन को बातचीत की मेज पर लाने के लिए उन्होंने स्वायत्तता की मांग जैसी कुछ रणनीतियां भी अपनाई हैं। उधर विश्व जनमत किस तरह उनके साथ है, इसकी झलक भी यहां मिलती है। विश्व के प्रमुख मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि यहाँ है ही, बड़ी संख्या में पर्यटक भी है, जिनका आना इस समुदाय में एक नया उत्साह भरता है। I think the Western people like very much Tibetans because they are a colorful community. They are very peaceful. I think it's a great example for the Western people to see as how refugees could build a new life in another country. I like the people. मुझे यहाँ के लोग बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ आकर मित्र भावना से खिल जाता हूँ। ऐसी भावना मैंने यहाँ आने से पहले नहीं देखी थी। I expected not that kindness as I see. मैंने सभी धर्मों को जांचा परखा, वे सभी अच्छे हैं। मगर मैंने जो चाहा था, वो मुझे यही मिला। कैसे खुद को खुश रखा जाए और कैसे दूसरों को खुशी दी जाए। वक्तव्यों के अलावा ये सहानुभूति तब भी जाहिर होती है जब ये लोक कलाकारों को गहरी आंखों से निहारते हैं। क्या यही विरासत खतरे में है? शुक्र है लोगों के अलावा अब कई देशों की सरकारें और संसद भी अपने विभिन्न प्रस्तावों के जरिए आगे आने लगी है। इसमें एक बड़ी भूमिका
इन कलाकारों की है जो विभिन्न देशों के बुलावे पर जाते रहते हैं और जहां तक भारत का सवाल है इसके लिए तिब्बत का अपना अलग ही एक महत्व है। एक आजाद तिब्बत कहीं ज्यादा फायदेमंद है तिब्बतियों के लिए आजाद तिब्बत के मुकाबले, क्योंकि जब 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया उससे पहले इतिहास में एक भी मौका ऐसा नहीं था जब भारत और चीन की सीमा मिलती हो। तिब्बत पर कब्जा करते ही चीन सीधा उस देश को लांघकर भारत के दरवाजे पर आ गया। 1962 में जब चीन ने हमला किया भारत पर, तब नेहरू जी को और पूरे देश को समझ में आया कि भारत की रक्षा हिमालय से नहीं हो रही थी, भारत की रक्षा एक आज़ाद तिब्बत की वजह से हो रही थी। ये भारतीय विविधता की एक और कड़ी है और इस रूप रंग में धर्मशाला एक सांस्कृतिक राजधानी की तरह है। हालांकि 41 सालों के लंबे संघर्ष के बावजूद इन्हें अपनी मनचाही चीज का एक अंश भी नहीं मिल पाया है, मगर सबसे बड़ी बात है ये पहचान के संकट से नहीं गुजर रहे। दुनिया के कई देशों में निर्वासित जीवन जीने के बावजूद ये एक हो जाने की हद तक एकजुट हैं। अपने गुरु दलाई लामा के राज्याभिषेक के बहाने ये हर साल इस दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं।